मेरा नाम कैलाश चंद्र खंडेलवाल है। मेरी उम्र 76 वर्ष है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। मेरे को 30 वर्ष पहले एक दुर्लभ बीमारी हो गई थी जिसका नाम ट्राइजेनमल न्यूरलजिया बताया डॉक्टरों ने। मैंने कई डॉक्टरों से संपर्क किया और इस बीमारी के इलाज कराने के लिए चेष्टा की। सब डॉक्टरों ने ये कहा कि साहब इस बीमारी में ये दांतों संबंधी बीमारी नहीं है, ये आपके दिमाग से जो नस चलती है वो आके आपके बाईं तरफ के निचले जबड़े को इरिटेट कर रही है और इसके लिए हम आपको एक गोली लिख देते हैं, वो दिन में 3 बार लिया करें। उस गोली का नाम था टैग्रिटोल 200 mg। वह गोली मैं दिन में 3 बार 8-8 घंटे के अंतराल से लेने लगा और मुझे आराम मिलता रहा। फिर इसके बाद में 3 गोली से कुछ वर्ष तो सही चला, इसके बाद 3 गोली से आराम नहीं मिला तो डॉक्टरों की सलाह से मैंने गोली की मात्रा बढ़ाकर 4 कर दी। 4 से कुछ साल आराम मिलता रहा, फिर आराम नहीं मिला तो मैंने गोली की मात्रा बढ़ाकर 5 कर दी। 5 से भी आराम नहीं मिला तो गोली की मात्रा 6 कर दी। 6 से भी आराम नहीं मिलने लगा तो मैं परेशान हो गया। मेरे को ये बीमारी हुए 30 साल हो चुके थे। फिर मेरे बेटे ने गूगल से सर्च करके इस बीमारी के लिए कोई जयपुर में एक्सपर्ट डॉक्टर हो उसका पता लगाया। वो डॉक्टर है श्रीमान संजीव सी के बिड़ला हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। मैं उनको दिखाने गया, वहाँ उन्होंने हर तरह से मेरा जांच करके बताया कि चूँकि आपको अब टैग्रिटोल 200 mg की 6 गोलियाँ लेने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो इसका मेरे पास में दूसरी तरह से उपचार है कि मैं आपको ये जो नस आपके बाईं तरफ के निचले जबड़े को आके परेशान कर रही है उसको मैं सुन्न कर दूंगा तो फिर आपको दर्द मिट जाएगा। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी कन्विंस किया, मैं उनकी बातों से काफ़ी संतुष्ट हुआ। फिर उन्होंने कहा कि साहब आप भर्ती हो जाइए, तो मैं 22 फरवरी सन 2023 को सी के बिड़ला हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। सुबह 9 बजे भर्ती हो गया था। डॉक्टर साहब ने आके मेरे को मिले, उन्होंने कुछ जांचें करवाई, जांचें करवा के 3 बजे आके फिर मेरे से बात की, कहा कि अब आपको नई तरह की मशीनों से आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप इस तरह की गोली लेना भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस दर्द से आज़ाद हो जाएंगे। फिर मेरे को सी के बिड़ला हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। 3 बजे 3:30 बजे के आसपास ले गए थे। 5 बजे तक मेरा वहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन नाम की टेक्निक RFA नाम की टेक्निक से मेरा इलाज किया गया। उसमें मेरी जो जबाड़े की नस मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी उसको डॉक्टर साहब ने सुन्न कर दिया और करीबन 1.5-2 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सुन्न करने के बाद में उन्होंने कहा कि अब आप वापस आपके पलंग पर जाके रेस्ट कीजिए, सुबह आके आपको मैं वापस देखूंगा। रात भर मेरे को आराम रहा, कोई किस्म की परेशानी नहीं आई। सुबह आके डॉक्टर साहब ने कहा आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और आज आपको हम छुट्टी दिलवा देंगे। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दूँगा, वो दवाइयाँ आप 15 दिन तक लेते रहें, 15 दिन बाद आप वापस मेरे को आके मिलना। 15 दिन तक वो दवाइयाँ मैंने ली और वापस फिर सी के बिड़ला हॉस्पिटल में डॉक्टर संजीव कुमार जी शर्मा से जाके मिला। उन्होंने मेरे को देख के कहा कि आपकी कंडीशन एकदम सही है और मैं अभी आपको 15-15 दिन की दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये दवाइयाँ आप लेते रहें, आपको जो थोड़ा बहुत जो भारीपन या जो आपको दर्द हो रहा है वो भी मिट जाएगा।
मैं सीके बिड़ला हॉस्पिटल की सर्विसेज से बहुत खुश हूँ। मैंने जयपुर के बहुत सारे हॉस्पिटल देखे हैं, वह इलाज भी लिया है, लेकिन जैसा मेरे को सीके बिड़ला हॉस्पिटल में उनकी सर्विसेज से जो मेरे को संतुष्टि हुई और जो खुशी हुई, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ और सीके बिड़ला हॉस्पिटल का भी आभारी हूँ कि मेरी इस 30 साल पुरानी जो बीमारी थी उससे मेरे को उन्होंने मुक्ति दिलाई और मैं अब अपने आप को काफ़ी जो है वो संतुष्ट और रिलीफ महसूस कर रहा हूँ।